आज इस वीडियो में हम कैफी और गैफी की माँ को संख्याओं के स्थान मूल्य के लिए एक मॉडल बनाते हुए देखेंगे। गैफी, मैं दो अंक वाली संख्या को पढ़ने के लिए एक मॉडल बनाने के बारे में सोच रही हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? जरूर माँ। ये पहले ये लो एक माप के दो गोलाकार। अब हर गोलाकार को 10 बराबर भागों में बांटकर इस पर 0 से लेकर 9 तक के अंक लिखो। ठीक है माँ। अब इनके केंद्र पर छेद करना होगा। बच्चों, कैंची या कोई भी नुकीली वस्तु से काम करते वक्त आप किसी बड़े की मदद जरूर लें। अब हमें कागज की ऐसी मोटी पट्टी काटनी है जो दोनों गोलाकार के केंद्रों को ढके। ये करने के लिए हमें दोनों गोलाकारों को साथ रखकर स्केल से इनके केंद्रों की दूरी को नापना होगा। तुम्हारी बात ठीक है गैफी, इस पट्टी में बीच में दो वर्ग आकार भी काटने होंगे। ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इन्हें गत्ते पर लगाना होगा जिस पर ये दोनों गोलाकार आराम से रखे जा सके। ऐसे? हाँ, और फिर एक बटन और तार की मदद से इस तरह इस कागज की पट्टी को गोलाकार के केंद्र के साथ जोड़ना है। माँ, मैं समझ गई, दूसरे गोलाकार के साथ भी ऐसा ही करना होगा ना? हाँ बिल्कुल सही। ये दोनों गोलाकार तो पहिए की तरह घूम रहे हैं। हाँ गैफी, अब इस पट्टी पर हमें लिखना होगा दहाई और इकाई। ये दोनों गोलाकार को घुमाकर जो अंक वर्ग आकार में दिखेगा उसे पढ़ना होगा, जैसे यहाँ है। माँ, यहाँ 8 दहाई भाग में लिखा है और 3 इकाई भाग में, यानी 83। सही जवाब। बच्चों, आप किसी भी बड़ी की सहायता लेकर यह मॉडल अपने घर में बनाएं और दो अंक वाली संख्या पढ़ें।